मुंबई के मलाड पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से वार्ड क्रमांक 49 में इस बार महानगर पालिका के चुनावों में संभाजी ब्रिगेड ने पहली बार मीनाक्षी कलिता को उम्मीदवारी देकर मैदान में उतारा, जहां कई महिला उम्मीदवार के बीच मीनाक्षी कलिता अपनी सीट जीत कर स्थानीय लोगों की पहली पसंद बनने का दावा करती हैं। वैसे संभाजी ब्रिगेड ने मीनाक्षी कलिता को उम्मीदवार देकर कई अन्य पार्टियों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। पेश हमारे मुंबई के संवाददाता अब्दुल चौधरी की खास रिपोर्ट। इस बार चुनाव मैदान में जो किस्मत आजमाने की सोची है, ये मुख्य कारण क्या है? ये किस्मत आजमाने की बात नहीं है, बात यह है कि ये बहुत बड़ी दुख की बात है। जैसे सोशल वर्क मैं करती आ रही हूँ, 6 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। जब मैं लोगों के पास जाती हूँ ना, मुझे इतना दुख होता है। वहां पे गली नहीं है, एक मतलब कभी कभी तो ऐसी मैंने हालत देखी है कि एक पेशेंट को हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए वहां तक एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है। ऐसी जगह मैंने देखी है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी लाइट नहीं है, जहां पे पानी नहीं है। 25 साल से लोग यहां पे कर क्या रहे हैं? सब पार्टी की सभी कैंडिडेट कॉर्पोरेटर के रूप में यहां पे काम कर चुकी है, लेकिन किसी ने आज तक ये जो मुद्दा है इसको सॉल्व नहीं कर पाए। इसीलिए मैं मजबूर हूं कि मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। यहां की समस्या क्या क्या है और बेसिकली समस्या जो अहम समस्या वो है क्या यहां पे? सबसे पहली समस्या ये है कि यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है। पीएमसी की पाइपलाइन आज भी लोगों तक नहीं पहुंची है, लोग आज भी दूर दूर जाते हैं पानी के लिए। दूसरी सबसे अहम है, यहाँ पे एक बीएमसी स्कूल तक नहीं है। यहाँ के बच्चे हमारे ये नाके तक आगे तक जाना पड़ता है, बहुत दूर जाना पड़ता है, रिक्शा का भाड़ा बस का भाड़ा तक चुकाना पड़ता है, जो हालांकि उस कंडीशन में नहीं है। उनके माँ बाप वो काम नहीं करते कि बच्चे को रोज स्कूल जाने के लिए बस या रिक्शा से उनको भेज पाए, तो बहुत दुख की बात है। तीसरा, यहाँ पे कोई भी एक बीएमसी हॉस्पिटल नहीं है, बहुत दुख की बात है ये। इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं पहुंचा है? हम किस जगह पे रह रहे हैं? महाराष्ट्र के मुंबई में मलाड में हम लोग रहते हैं। मलाड मालवनी में 49 ऐसे वार्ड है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। शर्म की बात है, ये बोलने के लिए भी मुझे शर्म आ रही है। मतलब ये मुख्य कारण क्या रहा कि आपने संभाजी ब्रिगेड से ही चुनाव लड़ने की ठानी? क्योंकि संभाजी ब्रिगेड जो एक आज राजनीतिक रूप में पार्टी के रूप में सब लोग जानते हैं, वो 25 साल से एक संगठन के रूप में पूना से लेके सतारा से लेके नासिक, मतलब गांव-गांव में लोगों की सेवा की है, लोगों की हर एक प्रॉब्लम अपने संगठन के रूप से सॉल्व की है। तो मैंने ये सोचा कि हर एक पार्टी के लोगों को मैं देख चुकी हूँ। हालांकि सोशल वर्कर होने के नाते बहुत सारे मंत्री एमएलए सबको मैं मिल चुकी हूँ, मैंने देखा हर एक जगह करप्शन है, लेकिन संभाजी ब्रिगेड पार्टी ऐसी एक पार्टी है जहाँ पे कोई करप्ट नहीं है और दिल से जान से वो लोगों के लिए काम करते हैं। आप जनता से क्या अनुरोध करना चाहेंगी? चुनाव लड़ रही हो आप, तो क्या जनता से आपके क्या अपील है? जी, जनता से मैं एक ही अनुरोध करना चाहूंगी, आप लोगों ने सब पार्टियों को चांस दिया है, एक चांस हमें देके देखिए। 5 साल नहीं मांगूंगी, सिर्फ 6 महीना, 6 मंथ्स के अंदर मैं आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म